अमौर प्रखंड का महीन गांव खाड़ी पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और इलाके के लाखों लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और प्रखंड की एक बड़ी आबादी नाव के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं, या फिर 45 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी तय करने के बाद ही वे लोग मुख्यालय तक पहुंच पाते हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। किंतु कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुल का महज 5 पाया ही अभी तक पूरा किया जा सका है और उसके बाद कार्य को रोक दिया गया और इस संदर्भ में कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी निर्माण कार्य को फिर से प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी निराशा व्याप्त है। आपका घर कहाँ है चाचा जी? सिरसी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिपुर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पुल नहीं है तो कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी हो रही है तो पुल बनना चाहिए। नाव में सफर करते हैं, डर भी लगता है क्या? लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? जी नाव डूब जाती है, तो डूबने का भी कारण होगा ज्यादा मात्रा में यहाँ पे गाड़ी लोड किया जाता होगा या फिर ज्यादा लोग सवार हो जाते होंगे, क्षमता से अधिक तब ना होता है ऐसा। तो यहाँ नाव के स्थान पे पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या यहाँ पुल का बनना आवश्यक है? 5 साल से पुल ही बन रहा है। ओ पुल का कोई पता नहीं लगता। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं बन रहा है? क्या वजह से? आप नाविक हैं? हाँ, नाव चलाते हैं। कितने मतलब गाड़ी पास करते हैं एक बार में? 6-7 गाड़ी पास। अभी तो मैंने 11 गाड़ी गिनती किया। ज्यादा गाड़ी बताइए। क्या लगता है आपको कि 11 की संख्या में यदि गाड़ी पास करेगा तो ये दुर्घटना का भी दावा दे सकता है? आप समझाते नहीं है? बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी आने जाने में, नाव में डूब सकते हैं या पुल में आसान होते हैं। ये पुल बन जाने से कई मार्ग खुल सकते हैं, सही बात है? हाँ जी। आप कहाँ के हैं? हम सलता के हैं। और सलता के हैं आप? तो इस नदी के बाद आगे क्या क्या मार्ग है? किशनगंज का रास्ता है ना? यदि यहाँ पर पुल बन जाए तो अमोर जाने में परेशानी नहीं होगी ना? आसान हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ के समय में पूरा नदी बढ़ जाता है पानी से। क्या कहना चाहेंगे, इस नदी पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है? ये कहूँगा कि अब तक ये हम लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। हम लोगों के यहाँ रात में बीमारी होता है कोई भी पेशेंट, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जा नहीं पाते हैं और रास्ते में ही पेशेंट घर में ही दम तोड़ देता है। तो आप लोग का नज़दीकी अस्पताल कौन सा है? नज़दीकी अस्पताल बस छोटा मोटा सिरसी है जी। वो तो क्या मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र है? इसके लिए डिलीवरी वगैरह सब पेशेंट के लिए है, तो वहाँ तो कोई व्यवस्था कोई है नहीं। ये नॉर्मल किसी का हो जाता है तो है था, नहीं तो फिर पेशेंट यहीं पर मतलब 2 दिन 1 दिन रुकने का मतलब बहुत परेशानी है हम लोग को। ये बताइए, बाढ़ के समय में सुना जा रहा है कि खारी हाट से अमोर तक सिर्फ नाव ही एक सहारा है और उसके अलावा कोई सहारा नहीं है, ये बात सही है? तो क्या खारी हाट से अमोर तक नाव जाती है? डायरेक्ट नाव जाती है, रास्ते में बहुत कहीं पे बहुत सारा दिक्कत है।